नमस्ते प्यारे अभ्यर्थियों, सेकेंड ग्रेड में एक टॉपिक है विदेशी व्यापार। तो इस टॉपिक के कुछ आंकड़े एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले देख के जाने होते हैं। तो कुछ 10 मिनट के अंदर इस विदेशी व्यापार टॉपिक के जो महत्वपूर्ण आयात निर्यात संबंधी आंकड़े हैं, विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े हैं, उसको अपन क्विक 10 मिनट के अंदर देखते हैं, जो ज़रूर एक अदर क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो विदेशी व्यापार सेकेंड ग्रेड के टॉपिक पर बात कर रहे हैं और ये टॉपिक आर्थिक समीक्षा, भारत की आर्थिक समीक्षा 2021-22 पर आधारित होंगे। भारत की आर्थिक समीक्षा 2021-22 पर आधारित होंगे। किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने इंडेक्स हमको याद रखने हैं, क्विक देख रहे हैं हम। सबसे पहला, भारत में आयात निर्यात के आंकड़े देख रहे हैं। और भारत में आयात निर्यात के आंकड़ों को अगर देखें तो हम देख रहे हैं इसमें भारत के शीर्ष आयातक घटते हुए क्रम। ऐसी वस्तुएं जिनको भारत बाहर से आयात करता है, बाहर से मंगाता है, तो सर्वाधिक कौन सी वस्तु भारत में आती है, उसके बाद कौन सी वस्तु को हम आयात करते हैं, इसका क्रम थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना होता है। तो भारत में शीर्ष आयात की जाने वाली वस्तुएं, अगर ये इंक आपको नहीं दिख रही हो तो मैंने साइड में लिख दिया। तो भारत सर्वाधिक कौन सी चीजों को आयात करता है, कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद। दूसरा, कौन सी चीज को आयात करता है, सोना। तीसरा, पेट्रोलियम उत्पाद। चौथा, मोती कीमती पत्थर। तो पेट्रोलियम उत्पाद में कच्चा तेल आयात करता है नंबर एक पर, नंबर दूसरे में वो आयात करता है सोना, नंबर तीसरे में वो आयात करता है पेट्रोलियम उत्पाद, यहां पर पेट्रोलियम उत्पाद कच्चा तेल है, और नंबर तीसरे चौथे में आयात करता है मोती कीमती पत्थर। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में आयातित वस्तुओं के क्रम को जमाइए, तो आपको 1, 2, 3, 4 क्रम से याद रखना है। तो सर्वाधिक आयात हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद। आयात की बात हो गई। विदेशी व्यापार में 2021-22 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार हम देख रहे हैं कि भारत में शीर्ष ऐसी वस्तुएं जो निर्यात करता है, तो भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो वस्तुएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन भारत कौन सी वस्तुओं का निर्यात सबसे ज्यादा करता है। तो भारत पेट्रोलियम उत्पाद का आयात भी सबसे ज्यादा करता है और भारत पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात करने में भी पहले नंबर पर है। दूसरा, मोती अर्धकीमती पत्थर को निर्यात करता है। तीसरा, लौह इस्पात को निर्यात करता है। तो भारत में सर्वाधिक निर्यात की पहली वस्तु पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरी मोती और अर्धकीमती पत्थर, और तीसरा लोहा इस्पात। ठीक है, तो ये आंकड़े आप याद रखोगे। क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक आयातित वस्तु कौन सी है, भारत में सर्वाधिक निर्यातित वस्तु कौन सी है, या भारत में आयातित वस्तुओं का क्रम क्या है, निर्यातित वस्तुओं का क्रम क्या है। दो चीजें हुई, तीसरी स्लाइड देखना। भारत के मुख्य आयातक देश घटते हुए क्रम में, यानी भारत सर्वाधिक आयात किससे करता है, कौन से देश से सर्वाधिक आयात करता है, यानी कौन से देश से सर्वाधिक वस्तुओं को मंगाता है। तो सर्वाधिक आयात करने में भारत किसके साथ में साझेदारी निभाता है, चाइना के साथ में। तो हम सर्वाधिक चीजें कहां से मंगाते हैं, चाइना से। तो हमारा आयात में शीर्ष व्यापार किसके साथ में है, चाइना के साथ। चाइना के बाद में हम सर्वाधिक आयात वस्तुएं और किससे करते हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात से, UAE से। उसके बाद हम सर्वाधिक आयात किससे करते हैं, चीजें किससे मंगाते हैं, तो अमेरिका से। और उसके बाद में हम सर्वाधिक आयात चीजें किससे करते हैं, सऊदी अरब से। फिर प्रश्न बनेगा कि भारत में सर्वाधिक आयात कौन से देश से होता है, तो चाइना। और भारत में सर्वाधिक आयात जिन देशों से होता है उसको घटते क्रम में जमाइए, तो चाइना के बाद में आ जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद अमेरिका, और उसके बाद में आ जाएगा सऊदी अरब। पहले अपन ने आयात की वस्तुएं देखी, फिर निर्यात की वस्तुएं देखी, अब आयात हम सबसे ज्यादा कौन से देश से करते हैं वो देख लिया। आगे देखो, अब हम भारत के मुख्य निर्यातक देश, हम सर्वाधिक निर्यात कौन से देश से देश में करते हैं। हम जब विदेशी व्यापार करते हैं तो हमारी वस्तुओं का निर्यात सर्वाधिक ज्यादा कहाँ होता है, और सर्वाधिक निर्यात हम पेट्रोलियम उत्पाद का करते हैं, यह तो आपको पता ही है। तो सर्वाधिक निर्यात हम करते हैं, सबसे ज्यादा हम निर्यात करते हैं अमेरिका से, वापस बैक में आना। सबसे ज्यादा हम आयात करते हैं चाइना से, सबसे ज्यादा हम निर्यात करते हैं अमेरिका से।
तो आप क्विक इस तरह के इंडेक्स आपको याद रख के जाने, सर्वाधिक निर्यातक देश, सर्वाधिक निर्यात हम कौन से देश से करते हैं, तो ज़्यादा निर्यात हम अमेरिका में करते हैं। हमारे प्रोडक्ट, हमारी वस्तुएं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कौन खरीदता है, अमेरिका खरीदता है। हम सबसे ज़्यादा किससे खरीदते हैं, तो चाइना से खरीदते हैं। तो चाइना हमारा सबसे बड़ा आयातक देश, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा निर्यातक देश। हम ज़्यादा चीज़ें कहाँ निर्यात करते हैं, UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। उसके बाद तीसरे नंबर पर निर्यात हम कहाँ करते हैं, चाइना में। तो चाइना में हम आयात तो नंबर एक पर करते हैं, निर्यात में चाइना नंबर तीसरे पर आता है, और नंबर चौथा हम किससे करते हैं, बांग्लादेश से। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गए देश। उसके बाद हांगकांग, सिंगापुर, ये अपने पास में आ जाएंगे आयात निर्यात के मामले में। लेकिन अब आगे के आप चार चार याद रखोगे तो खूब है। इसके बाद आगे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदार, जिसमें आयात और निर्यात दोनों को मिला करके, सबसे ज़्यादा भारत व्यापारिक साझेदारी किससे निभाता है, तो भारत सर्वाधिक व्यापारिक साझेदारी निभाता है चाइना से। तो क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए कि भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदार सबसे बड़ा देश कौन सा है, चाइना। घटते क्रम में जमाइए, तो चाइना के बाद हम सर्वाधिक व्यापारिक साझेदारी निभाते हैं अमेरिका के साथ, फिर हमारे साथ में सर्वाधिक व्यापारिक साझेदारी निभाता है UAE, संयुक्त अरब अमीरात, और फिर हमारा व्यापारिक साझेदार सबसे ज़्यादा हम निभाते हैं सऊदी अरब से। ठीक है, ये एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले पढ़ने के ही इंडेक्स होते हैं, ये आर्थिक समीक्षा 2021-22 पर आधारित है। अगला चलते हैं, फिर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, उसको हम कहते हैं FDI। विदेशों का व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति, विदेशी संस्था और विदेशी सरकार, अगर वो भारत के अंदर पैसा लगाती है तो उसको कहा जाता है विदेशी निवेश। कौन लगाएगा पैसा भारत के अंदर, या तो फॉरेन व्यक्ति होगा वो लगाएगा, या फिर फॉरेन की कोई संस्था होगी वो लगाएगी, या विदेश की कोई सरकार होगी वो लगाएगी। तो अगर भारत में बाहर से कोई पैसा लगा रहा है तो वो है विदेशी निवेश, और विदेशी निवेश का एक प्रकार है FDI, और FDI का मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें तो इसमें जो भारत के अंदर पैसा लगता है वो लंबे समय तक लगाता है, विदेश वाले संस्था, सरकार या व्यक्ति लंबे समय तक भारत में लगाता है, और ऐसा पैसा भारत में स्थायी रूप से भी लगता है। लाभांश कमा करके वो ले जाएंगे, पर भारत में लंबे समय तक पैसा लगाना FDI के तहत आता है। इसमें जो मैनेजमेंट की भूमिका होती है, जो फॉरेन का संस्था, व्यक्ति या फिर सरकार होती है, वो सीधे निभाती है, वही मैनेजमेंट का काम करते हैं। जो फॉरेन वाले यहाँ पैसा लगाते हैं, वही यहाँ पर लगे पैसे में जो उन्होंने फैक्ट्री खोली है या कुछ भी चीज़ें वो यहाँ पर बना रहे हैं, तो मैनेजमेंट का काम वही करेंगे। पूंजी पलायन प्रवृत्ति कम होती है, पूंजी पलायन प्रवृत्ति कम होती है। फिर आगे देखो, आगे वाले स्लाइड में कोई क्वेश्चन नहीं था, अब क्वेश्चन बनेगा कि सर्वाधिक FDI कौन से क्षेत्र में भारत प्राप्त करता है, यानी सर्वाधिक विदेशी निवेश कौन से क्षेत्र में आता है, सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कौन से क्षेत्र में आता है। तो सर्वाधिक FDI कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, ये क्षेत्र प्राप्त करता है। उसके बाद सर्वाधिक विदेशों का पैसा ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में लगता है, और उसके बाद सर्वाधिक विदेशों का पैसा सेवा क्षेत्र में लगता है। तो सर्वाधिक विदेशों का पैसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में लगता है, फिर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में लगता है, फिर सेवा क्षेत्र में लगता है। यानी FDI का पहला ज़्यादा FDI कहाँ पर, कंप्यूटर में, उसके बाद FDI ज़्यादा, FDI हम कहाँ पर प्राप्त करते हैं, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, उसके बाद FDI कहाँ पर प्राप्त करते हैं, सेवा क्षेत्र में। बिल्कुल इंडेक्स है, क्योंकि आप ध्यान में रख करके जाना। अगला, भारत के अंदर कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक विदेशी निवेश प्राप्त करता है, सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करता है, सर्वाधिक FDI प्राप्त करता है। तो भारत का वो राज्य जो सर्वाधिक FDI प्राप्त करता है, तो सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक, सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, और सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला तीसरा है दिल्ली, और दिल्ली का NCR क्षेत्र। तो कौन से क्षेत्र में हम सर्वाधिक FDI प्राप्त करते हैं, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर। कौन सा राज्य सर्वाधिक FDI प्राप्त करता है, तो कर्नाटक। आगे चलते हैं,
अगले स्लाइड, सर्वाधिक एफडीआई हमको कौन से देशों से प्राप्त होती है, मतलब कौन सा देश भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करता है। तो सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करता है, सर्वाधिक एफडीआई भारत में प्राप्त होती है सिंगापुर से। तो सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर से, उसके बाद एफडीआई अमेरिका से, उसके बाद एफडीआई मॉरिशस से, उसके बाद एफडीआई नीदरलैंड से, और उसके बाद एफडीआई जापान से। तो आपको कोई पूछे कि भारत में सर्वाधिक एफडीआई कौन सा क्षेत्र प्राप्त करता है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर। भारत में सर्वाधिक एफडीआई कौन सा राज्य प्राप्त करता है, तो कर्नाटक। और भारत में सर्वाधिक एफडीआई कौन से देश से प्राप्त होती है, तो सिंगापुर। कंप्लीट है। अगला, विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार मतलब भारत के पास में कितना विदेशी धन पड़ा, कितने विदेशी मुद्रा पड़ी हुई है, जिससे वो अपना व्यापार संतुलन बना करके रख सकता है। तो भारत विदेशी मुद्रा भंडार में चौथे नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर। तो भारत में चौथे विश्व के देशों में चौथे नंबर पर भारत आता है विदेशी मुद्रा को भंडार करने के मामले में। फर्स्ट में चाइना है, सेकेंड में स्विट्जरलैंड है, थर्ड में जापान है, और फोर्थ में भारत है। तो भारत विदेशी मुद्रा भंडार में कौन से नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर। कृषि की जो वस्तुएं होती हैं, उस कृषि की वस्तुओं को निर्यात में नंबर वन चीजें कौन सी हैं? तो समुद्री उत्पाद। कृषि के जो वस्तु होती है उसके निर्यात में नंबर टू वाली चीज कौन सी है? चावल। चावल के बाद हम सर्वाधिक कृषि वाले मामले में किसका निर्यात करते हैं? मसालों का। और उसके बाद में हम किसका निर्यात करते हैं? चीनी का। वापस आना, भारत में सर्वाधिक आयात निर्यात, हम आयात निर्यात के मामले को देख रहे हैं। सर्वाधिक आयात किसका होता है? कच्चे तेल का। सर्वाधिक निर्यात किसका होता है? पेट्रोलियम उत्पाद का। भारत के मुख्य आयातक देश कौन से? तो सबसे बड़ा आयातक देश भारत का चाइना है। मतलब हम सबसे ज्यादा चीजें कहां से मंगाते हैं? चाइना से। भारत का सर्वाधिक निर्यातक देश कौन सा, सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो अमेरिका। क्रम पूछे तो आपको इंडेक्स याद रखना है। भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार आयात निर्यात को दोनों को मिलाकर नंबर वन कौन है? चाइना। विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको कहते हैं एफडीआई, विदेशों का पैसा भारत में आना, सर्वाधिक एफडीआई कौन से क्षेत्र में आती है? कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में। सर्वाधिक एफडीआई भारत में कौन सा राज्य प्राप्त करता है? कर्नाटक। और सर्वाधिक एफडीआई हमको कौन से देश से प्राप्त होती है? सिंगापुर से। फिर अपन बात करते हैं भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर। और भारत में कृषि निर्यात जो वस्तुएं हैं उसमें ज्यादा निर्यात समुद्री उत्पाद का होता है, दूसरे नंबर पर चावल, तीसरे पर मसाले, और चौथे पर चीनी। बिल्कुल क्विक 10 मिनट के अंदर विदेशी व्यापार आर्थिक समीक्षा 2021-22 से रिलेटेड आंकड़े इंडेक्स के माध्यम से मैंने आपके सामने रखे, जो आपको एग्जाम से पहले प्रश्न तो बने या कोई और टॉपिक बने या फिर बनने की प्रकृति कुछ अलग रहे, लेकिन इतना याद है तो 90% भाग कवर है, ये कॉन्फिडेंस रहेगा। और वो कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल के अंदर एग्जाम के एक दिन पहले बहुत 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 ज़्यादा मदद करेगा। बढ़िया प्रदर्शन करें, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद।